बड़ा मुश्किल है सर में, पहली बार बोल रहा हूँ प्रोफेसर, मेरे को लग रहा है, तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा घबरा के बात कर रहा हूँ, इसलिए बहुत बोलना मैं बहुत बढ़िया। तो आप महात्मा को पूरी मात को शांति दे और परिवार को पूरी तरफ से सबको बहुत बहुत संसार को छोड़ के गए हैं, उन्हें अपने चरणों में जगह देना, उनकी आत्मा को शांति देना और उनको घर वालों को इसी दुख की घड़ी में इतना साहस प्रदान करना, इस दुख को भूल करके परमात्मा का भजन कर सके और संसार की गाड़ी को आगे चला सके। हम और आप सभी मिलकर के 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद रक्षण करें और आरती होगी। गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, ओम भूर्भुव स्वः कर्षभितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः Yeah.
Yeah.
इस संसार को छोड़ के जाना ही पड़ता है। देखिए ये जीव जब जाता है तो ये गौरव पुराण में लिखा है कि जीव जब जाता है अंत समय आता है यम के दूत इसे लेने के लिए आते हैं। यम के दूत इसे लेने के लिए आते हैं और चार पैर पर पड़ा रहता है। यम के दूत इसके पास खड़े होते हैं, इधर घरवाले खड़े होते हैं, इधर यज्ञ कर्तव्य जो मेरे थे आज हुए बेगाने। आज मुझसे एक क्षण में रिश्ता नाता तोड़ करके चले गए, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बंधु। और आत्मा कहती है कि देखो लिए तेरी दुनिया करने लगे कि बहन देखो हम आपस में दोनों बहन
नहीं हो तो असत्य दुनिया में जा रही है, जो सत्य दुनिया में जा रही हो और मैं ऐसी करके जा रही हूँ जहां से लौट के आने वाली कभी मैं हूं। तो अर्थ ने कहा दोनों से और दोनों ने कहा अर्थ से कि हमने तुम्हें फर्क कौन सा है, कौन बड़ी है और कौन छोटी है ये आज तक हम पता नहीं लगा पाए। तो अर्थ कहने लगी कि देखो बहन हमने तुझे कोई फर्क नहीं लेकिन बड़ी तो मैं रहूंगी। तो दोनों ने कहा कि कैसे बड़ी रहूंगी, कैसे बड़ी हो आप? तो कहने लगे कि एक बोले चले एक बोले चले एक अर्थ चले हम दोनों में अंतर बता दो सखी। एक बोली चले एक अर्थ चले हम दिखाई नहीं दे पाए। तो बोली ने कहा कि चार तुझे लगे चार मुझे लगे चार तुझे लगे चार मुझे लगे फूल तुझे पर चढ़े फूल मुझे पर चढ़े। कहने लगी कि चार तुझे लगे हैं और तुम्हें कितने लगते हैं चार, दोनों में कितने लगते हैं चार। फूल दूरी पर भी चढ़ाए जाते हैं और फूल अर्थी पर भी चढ़ाए जाते हैं। पर आगे कहा जाता है
का संसार खत्म हो जाता है। तो कहते हैं इतने से ऐसा कोई उपाय नहीं जो मान लो कि हमको पवन प्राप्त हो जाता हो सके, केवल परमात्मा का वजन है अपने मां के लिए आत्म शांति के लिए वचन करना वही पुत्र कहलाता है। देखिए कमाती अपने पुत्र को गोदी में उठा करके जा रही थी, गोदी में उठा करके जा रही थी, कच्चे रास्ते थे, पहले पैदल ही यात्रा करते थे, तो पुत्री को गोदी में उठा करके लिए जा रही थी, तो रास्ते में पुत्र को प्यास लगी, बेटे को प्यास लगी, मां से कहा कि मां मुझे थोड़ा पानी पीना है। तो मां थी तो माने के सामने एक कुआं देखा, तो कुएं से पानी पिलाने के लिए अपने पुत्र को उस कुएं के पार बिठा दिया, पर मां पानी खींचने लगी, इधर से नाग देवता आए और उनके पुत्र को डस लिया, पुत्र को काट लिया, तो पुत्र संसार को छोड़ के चला गया। अब मां पानी लेकर के आए, पुत्र को जगाने लगी, लेकिन पुत्र सोया हुआ है। तुझे जाने से पहले मुझे मृत्यु को ले आ गई, परमात्मा तुम मेरे प्राण ले लेकिन मेरे पुत्र को जीवित कर। तो सामने देखा कि नागराज बैठा हुआ है, मां को क्रोध आया, तो मां ने कहा कि मैं तुझे साथ दूंगी क्योंकि तुमने मेरे पुत्र को दस लिया, लेकिन नागराज हाथ रोक के बोले कि मां मुझे साथ मत देना, क्योंकि मान शब्द से तो भगवान भी रहते हैं, किसके आदमी रहते हैं, परमात्मा मां के, हमारे जितने भी शास्त्र बनाए ना मां का विच्छेद नहीं किया, माने से कोई दो अक्षर नहीं निकाले, ऋषियों ने मान शब्द आया तो मां शब्द को छोड़ दिया क्योंकि इसका विच्छेद किया ही नहीं जाता। वो कहने लगे कि मां तो केवल मां होती है, इसलिए उन्होंने मां शब्द का कोई विच्छेद नहीं किया। यहाँ कहने लगे कि नागराज ने कहा मेरे माता मैं भी आपसे डरता हूँ, मुझे साथ मत देना क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। तो कहने लगे कि तुम कौन हो कि मैं यमराज हूँ, माँ मैं यमराज हूँ, मेरा काम ही ऐसा है, न मेरी नजर में कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मुझे तो जिसकी हालत पूरी हो जाती है उसे ले जाना ही पड़ता है, ये शक्ति का विधान है। आत्मा तो दुख होता है और ऐसे देव से चली जाती है, जहां लौट के कभी प्राप्त नहीं होती, तभी तो कभी नहीं कहा है। उन्होंने कहा चिट्ठी को संदेश, कहते जब जन्म होता है ना सभी को पता है कि 9 महीने बाद बच्चे का जन्म होगा, निश्चित नहीं होता न जाने कब कहे आ जाए, कहते कहे Yeah.
कहा तो
स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा, पर आपके स्वादिष्ट भोजन बनाया करूंगा, आपको रोज भोजन कराया करूंगा। खाने को खाकर प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि जब तक तुम खाना बनाते रहोगे तुम्हें कोई मारने वाला नहीं हो। तो एक दिन ब्राह्मण की लड़के ने खाना बनाया और प्रेत राजी को खिलाया, मेरा आपके लिए मन नहीं रहता कि तुम कहां जाते हो। तो प्रेत राजी ने कहा मैं यमराज जी के यहां जाता हूं। कहां जाता हूं? यमराज जी के यहां। तो वहां क्या काम होता है, यमराज जी कौन सा काम करते हैं? तो कहने लगे कि जिसकी आयु पूरी हो जाती है उसे ले जाते हैं वहां, वहां की गिनती किया करते हैं कि किसकी कौन सी कितनी उम्र है। तो दूसरे दिन ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि आप मेरे बारे में पता करके आना कि परमात्मा ने मेरी उम्र। प्रेतराजी दूसरे दिन गए तो यमराज जी से पूछा कि जो ब्राह्मण का लड़का मेरे यहां रहता है उसकी उम्र कितनी लिखी है आपने? तो उन्होंने कहा 90 साल की उम्र है। 90 साल की उम्र है। प्रेतराज जी लौट के आए, ब्राह्मण ने लड़के में खाना खिलाया, प्रेतराज जी से पूछा कि मेरी उम्र कितने लिखी वहां पर? तो उन्होंने कहा 90 साल। तो लड़का थोड़ा उदास हो गया। प्रेतराज जी ने कहा उदास होने की क्या बात है, 90 साल बहुत होते हैं संसार में जीने के लिए। तो कह रहे हैं कि भाई 90 साल जो है मुझे पूरे पूरे अच्छे नहीं लगते। उन्होंने कहा क्यों नहीं अच्छे लगते? कि भाई 90 का आंकड़ा मुझे फिट नहीं बैठता, इसलिए 90 मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कल जाना और यमराज जी से कहना या तो एक दिन मेरी उम्र बढ़ा दे या एक दिन घटा दे। तो यमराज जी के पास का प्रेतराज जी गए तो यमराज जी से कहने लगे कि महाराज जो ब्राह्मण का लड़का मेरे पास में रहता है वो कहता है एक दिन या तो उम्र घटा दो या एक दिन बढ़ा दो। तो यमराज जी ने कहा कि तुम एक दिन की बात करते हो, जो पहले क्या काम करते थे, लकड़ से खाना बनाते थे, लकड़ी लगी कुमार नहीं लगा। अब प्रेतराज जी कहने लगे अरे भाई तू बालक है, मैं तुझे मार दूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा का बोला जब यमराज जी मेरी उम्र घटा नहीं सके बढ़ा नहीं सके तो तुम कौन हो मारने वाले? और उस प्रेतराज जी को घर से बाहर निकाल दिया। कहने का भाव है कि जितनी सांस संसार में ले ले उतनी भी ले ले, अंत में कर संसार को छोड़ के जाना ही पड़ता है। करके मुट्ठी बांध के आया बंदे। कई लोग वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, कई शोक सभाओं में जाते हैं, कई कथाओं में जाते हैं, कई प्रवचन सुनते हैं, लेकिन कहते हैं कि मुट्ठी बांध के आया है बंदे, इस मुट्ठी में क्या रहता है? जब बच्चा होता है जन्म लेता है मुट्ठी बांध के आता है तो कई लोगों को ये पता नहीं होता कि मुट्ठी बांध के बच्चा क्यों पैदा होता है। लेकिन क्या मुट्ठी का राज है? कहते हैं मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा रवि रवि तुरमाल खजाना पड़ा नहीं रह जाएगा। मुट्ठी में क्या रहता है? एक मुट्ठी में कर्म रहता है और एक मुट्ठी में धर्म रहता है। यानी मुट्ठी बांध के बच्चा पैदा क्यों होता है कि एक मुट्ठी में कर्म रहता है कि संसार में रहूंगा, अगर व्यस्त रहूंगा तो संसार के कर्मों में भले भांति करूंगा, और एक मुट्ठी में धर्म रहता है कि मैं भगवान का भजन भी करूंगा। जब मां के कर्म में उज्जैन होता है ना तो मुट्ठी बांध लेता है कि अंत में संसार में जाऊंगा तो संसार के कर्म भी करूंगा और
धर्म भी कर रहा है, लेकिन कर्म को याद रखता है, धर्म को भूल जाता है, इसी 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। कई लोग हमें मिलाते हैं शोक सभा में, तो शोक सभा का उद्देश्य नहीं पता होता कि हम शोक सभा में जाते क्यों हैं। कई लोग विचार करते हैं कि उनके घर वालों को हम पूरे अपनी शकल दिखा देंगे कि हम भी आए थे, आज भी लग रहे। लेकिन शोक सभा का उद्देश्य ये होता है कि जब प्राणी चला गया हम उसे लौटा के ला तो नहीं सकते, इतनी हमारी पहुंच नहीं, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर से जो जीव जाता है तो बड़ा भारी दुख होता है। क्यों होता है कि जो घर से चला जाता है वो स्थान खाली हो जाता है, और वो स्थान कभी भरता नहीं, वो खाली रहता है। Yeah, yeah, yeah.
Thank you.
या शांति धर्म शांति सर्वम शांति शांति शाम शांति शांति ओम शांति 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 जाएंगे। सभी से अनुरोध है कि चाय पानी पी